नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विज्ञान और आध्यात्म के 3 दिवसीय वैचारिक महाकुंभ का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर ने खरगोन के पनावा गाँव में इंडस फूड पार्क का किया शुभारंभ। और मुख्य सचिव एंटोनी डिसा ने की विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विज्ञान और आध्यात्म परस्पर पूरक है। दुनिया के सारे विचारों का आदर करने की परंपरा भारत में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विचारिक कुंभ विज्ञान और आध्यात्म के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ राष्ट्रवादी चिंतक कृष्ण गोपाल और मुख्य वक्ता के रूप में स्वामी विवेकानंद योग और अनुसंधान संस्थान बंगलुरु के कुलाधिपति डॉक्टर एच आर नागेंद्र उपस्थित थे। जब दुनिया में आज विकसित कहे जाने वाले देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं गाई जाती थी। जब अमेरिका जैसे देश में पत्तियों से लोग अपना शरीर ढका करते थे, तब हमारे यहां तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे। भौतिक प्रगति भी हमने की और आध्यात्मिक उन्नति भी हमने की। दुनिया के सभी विचारों का आदर करने वाला भारत, मुंडे मुंडे मदिर भिन्ना, उसने अपने देश ने कहा, आज नहीं हजारों साल पहले, एक अमसद विपरा बहुधा बदंती। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पर्यटन के क्षेत्र में सस्टेनेबल विकास हमारी प्राथमिकता है। इसमें पर्यावरण को ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हनुवंतिया में हुई मंत्री परिषद की बैठक में पर्यटन कैबिनेट बनाने और पर्यटन नीति में संशोधन करने के निर्णय लिए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान आज हनुवंतिया में प्रथम जल महोत्सव का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू, प्रदेश के पर्यटन राज्य मंत्री सुरेंद्र पटवा, सांसद और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष तपन भौमिक उपस्थित थे। कृषि विकास मंत्री गौरीशंकर बिसेन की अध्यक्षता में छिंदवाड़ा जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें पिछली बैठक के पालन प्रतिवेदन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, प्रधानमंत्री सड़क विकास प्राधिकरण, विद्युत और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से निकट भविष्य में पेयजल संकट की संभावना को देखते हुए चर्चा की गई और जिले में हर जगह जहां पेयजल की समस्या हो सकती है, पर पेयजल की सुनिश्चितता के लिए प्रभारी कार्रवाई पर बल दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईएमएस टीवी की बाकी खबरें आप ईएमएस टीवी की वेबसाइट के साथ साथ हमारे ऐप्स पर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।